यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले शाहजहांपुर में कांट थाना पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो लोगों को यहां से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों ने पूछताछ में बताया है कि वो अवैध हथियार बनाकर उन्हें महंगे दामों पर बेच देते थे। अब नगर निकाय चुनाव के चलते हथियारों की मांग बढ़ गई थी। पुलिस टीम ने मौके से बने अधबने अवैध हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। दरअसल नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से जनपद में अभियान चलाए जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने क्षेत्र के गांव बहादुरपुर के जंगल से अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां दो लोग अवैध हथियार को बनाते हुए मौके से गिरफ्तार किए गए। आगामी नगर निगम नगर पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र का निर्माण कर कारोबार करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना काट पुलिस सूचना मिली कि बहादुरगंज जंगल में कुछ लोग अवैध शस्त्रों को निर्माण कर रहे हैं तथा इसकी सप्लाई को चुनाव के समय करेंगे। इस सूचना पर थाना काट की पुलिस ने बहादुरगंज जंगलों में दबिश दी तथा उन्हें मौके से दो व्यक्ति वहाँ पर मिले, एक कमलेश पुत्र रामनाथ जो कि काट का ही निवासी है तथा दूसरा आकिल पुत्र साबिर जो मूलतः मोहम्मदी जनपद खीरी का निवासी, इनको पकड़ा। इनके पास से